ज्ञान वापी में ही भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग है, ये सचिंद्र पांडे दावा कर रहे हैं। सचिंद्र की रिसर्च में पीटर मुंडी की किताब का जिक्र है। पीटर मुंडी की किताब में मिलता है शिवलिंग का हवाला। ज्ञानवापी में नक्काशी वाले पत्थर पर लोग दूध जल चढ़ाते थे, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर देवरिया के रिसर्चर लेक्चरर हैं जिनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में ही भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग है। सचिंद्र पांडे है जो कि देवरिया के रिसर्चर लेक्चरर है और इन्हीं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी में ही भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग है। और साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि सचिंद्र की जो ये रिसर्च रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इसमें पीटर मुंडी की किताब का भी जिक्र है। पीटर मुंडी की किताब में शिवलिंग का हवाला मिलता है। ज्ञानवापी में नक्काशी वाले पत्थर पर लोग दूध जल चढ़ाते थे, ये दावा भी किया जा रहा है रिसर्चर की तरफ से। जयपाल इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, कुछ लोग आपके पास इस वक्त मौजूद है, बातचीत उनसे करते रहिए क्योंकि एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं और अब ये देवरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो रिसर्चर है लेक्चरर है वो एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी में ही भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग है। जयपाल देखिए, बिल्कुल काशी में भी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं और दावे के क्रम में लोग इतने उत्साहित नजर आते हैं कि अपनी डिग्री का भी बखान कर दे रहे हैं। तो तमाम लोग अपनी डिग्रियां भी यहां पर दिखा रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अब्दुल्ला साहब हिस्ट्री की बात कर रहे थे, वहां पे देवरिया के एक रिसर्चर है, उनका कहना है कि वही वो शिवलिंग है विश्वेश्वर का जहाँ वजू खाना है, जहां पर वो जगह सील किया गया। देखिए बहुत अच्छी बात, हम ये कह रहे हैं कि जो जांच हुई शिवलिंग के अंदर छेद नहीं होता है। हम लोग काशी के लोग, हम लोग जानते हैं यहाँ सबसे बड़ी मंदिर बाबा विश्वनाथ की है, उसमें उसमें छेद निकला है, तीन चार छेद होता है। ये क्या तार्किक है, ये क्या है अजूबा? एक मिनट रुक जाइए, देखिए आप एकल उनको बोलने दीजिए, नहीं ये गलत बात आपको, आप एकल उनको बात करने दीजिए तब बात होगी, नहीं आप जवाब दीजिए मेरा, हाँ आपका जवाब। ये देखिए सुनिए 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 आलम आलम, देवता जो है 353 वर्षों से इनकी कैद में है, उसमें जितना भी तोड़ फोड़ मंदिर में हो सकता था वो लगातार जारी है। 1996 की एक कमीशन रिपोर्ट है, अगर आप उसको उठा करके देखेंगे, और जो वर्तमान कमीशन रिपोर्ट है अगर आप उसको उठा के देखेंगे, तो इन लोगों ने मंदिर के जितने निशान थे उसको तोड़ने का प्रयास किया है, उस पर सफेद सीमेंट लगाने का प्रयास किया है, उसको ईंटों से ढकने का प्रयास किया है। तो इन ये लोग खुद ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का चरित्र बदलने की इन्होंने कोशिश की है। अगर उसका प्रयास किया जाएगा तो जो इंतजामिया कमेटी है, देखिएगा अंतिम में यही होगा कि जो 96 का जो सर्वे है और जो अभी का सर्वे, उसमें जो अंतर आएगा वो देखिएगा, उसमें फिर कौन कल्प्रिट पाया जाएगा। मस्जिद के भीतर जो कमीशन की रिपोर्ट है ये बताती है कि वहां पर भी कुछ नए निर्माण किए गए, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कहां कमीशन की रिपोर्ट में किसने बताया कि कमीशन की रिपोर्ट ये कह रही है, कौन कहा है? ये अफवाह फैलाना सब लोग बंद कर दीजिए, भाई को भाई से मिलकर रहने दीजिए। ये भाजपा के नेता, ये भाजपा के कार्यकर्ता और ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता, इससे तय चलेगा। हम तो कह रहे अभी आप देखिए, अच्छा सच्चाई आई बताइए, अच्छा आप सच्चाई बोलिए, ये सच्चाई बोलिए कि अभी किसी को पता है कहां कमीशन की रिपोर्ट आ गई? कहीं नहीं आई रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट आएगी, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, ये सच्चाई मैं बोल रहा हूँ। कोई माइक लाए इसको, कोर्ट माइक, लेकिन कोर्ट ने किसी को बताया कोई माइक लाए? इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, ये ध्यान को भटका रहे हैं, ये चीन की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, यहाँ शिवलिंग की बात हो रही है, आप चीन में ले जा रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं। मुगला, ये हकीकत है या सच है, यह मानने लायक है कि मुगल आक्रांताओं ने तमाम मंदिरों को पूरे भारत में खंडित करने का काम किया है, और जो कह रहे हैं शिवलिंग में छेद है तो कितना सेंटीमीटर छेद है ये तो बताइए। और सुनिए, उसको ऊपर से सीमेंट का कवर लगा करके उसको, हाँ उसको सीमेंटर किया गया है। इनको कोर्ट की रिपोर्ट, एक जो दावा है काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने किया है कि वहां पर जो तहखाना है वो ऐश्वर्य मंडप है, वहां पर कई जो है वो खजाने हो सकते हैं, जो माँ पार्वती के गहने हैं वो हो सकते हैं, उसको लेकर भी कोई शंका है इनको लग रहा है? देखिए जो महान, देखिए जिस दिन बाबा सामने आए
उसी दिन ये तय हो गया कि बाबा विश्वनाथ जी का जो भी केस हो रहा है, बाबा बहुत जल्दी हम सारे लोगों को एक स्वर्णिम अवसर देने वाले हैं कि हम उनका जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। इसमें तनिक भी संशय नहीं, जिस दिन ताखाना क्षमा, जिस दिन वो गर्भगृह बाबा का उसका दरवाजा तोड़ के नंदी के जो सामने वाला है उसके अंदर का सर्वे हुआ, देखिएगा खुद ब खुद। और ये मैं मांग करना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के पास एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि कोर्ट से बाहर आके हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो गाना गाया जाता है पिछले कई सालों से ना, वो गाने को प्रारूप को वो सत्य करने का काम करें। ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं ना, ये पूरा सिद्ध हो जाएगा। हिंदुओं के दिल में बाबा विश्वनाथ जी का एक बहुत बड़ा आस्था है जिसके साथ मुस्लिम समाज के लोग खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। क्या आपके पास ये मौका नहीं है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का सबसे अच्छा उदाहरण दे दे, ये कोर्ट में मामला ना जाए, आपस में इसको सुलझा लिया जाए? बहुत अच्छा मौका है, रास्ता एक है और हमारी मंदिर मस्जिद एक है। ये जो दुचार टटपुजिए टाइप के लोग डाल रहे हैं यार, इससे कुछ होने वाला काशी देखिए।